ये चार्ट बहुत कुछ बताएगा आपको सर, और ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। ये चार्ट आप बनाएं, आप अगर सीखना चाहते हैं कि डुप्लीकेशन का बिजनेस, अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, आपके बिना भी कैसा चलेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार, प्रॉब्लम क्या है, मैंने मिस्टेक बताया कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द मेजर मिस्टेक। आपको नहीं पता कि आपकी दुकान में माल कितना खत्म हो गया। ऐसा होता है कभी कि आपने एक दुकानदारी चला रहे हैं और आपको पता नहीं कौन सा आइटम खत्म हो गया, कौन सा आइटम नहीं खत्म हुआ? ऐसा होता है कभी इस दुनिया में? हाँ जी, आप एक दुकान चला रहे हैं जिसमें कपड़ा है, आपको पता है कितना रह गया और कितना बिक गया, पता होता है कि नहीं? यस। आप एक मोबाइल का दुकान चला रहे हैं, आपको पता होता है कितना मोबाइल बिका, कितना नहीं बिका, कौन सी कंपनी का बिका, कौन सी कंपनी का नहीं बिका, आज कितना रेवेन्यू हुआ? वो शाम को गल्ले पे बैठ के हिसाब किताब करते हैं अपन, नहीं करते? हेलो, करते कि नहीं करते? छोटा सा छोटा हिसाब करता है एक दुकानदार, जहां से उसको मात्र 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आता है। बट आप अकाउंटेबल नहीं होते, मैं सीरियसली बता रहा हूं। आपको पता ही नहीं है पिछले एक महीने में आपने कितने लोगों से बात करी, आपको पता ही नहीं है कि पिछले एक महीने में आपने किन गेस्ट को अटेंड किया। आपको नंबर गेम माई डिफरेंस, आपको ये पता नहीं है कि एक महीने में आप मिले कितने लोगों से, कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, जितने लोगों का आपने फॉलोअप किया उसमें क्या कन्वर्ट हुआ, उसमें रेशो क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आप सिर्फ काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं है। एक अकाउंटेबिलिटी होती है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, जिसमें डेटा फीड किया जाता है ना, और वो डेटा फीडिंग बहुत कुछ सिखा देता है कि आप इस बिजनेस में फेल होंगे या पास। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास और मुझे बोला, सर धंधा नहीं चलता, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम बहुत डाउन है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। भागा भागा आया, मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे 6 महीने हो गए, मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला, तू पिछले 6 महीने में कितने लोगों से मिला, मैं जानना चाहता हूं। तो बोला, मुझे पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। मैंने कहा, पिछले 1 हफ्ते में तूने कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो बोला, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे पता कैसे चलेगा कि तूने किया क्या है? यू आर नॉट अकाउंटेबल। आपके संडे को कितने गेस्ट आए आपको पता होता है? नहीं पता होता। अंदाजा कितने गेस्ट आए मैं उससे पूछता हूं, कह रहा सर मेरी टीम में तो मुझे लग रहा है 8-10 गेस्ट आए होंगे। ये लाइन है मेरे कानों में आती है, 8-10 गेस्ट आए होंगे। दुकानदारी में ऐसा होता है क्या कि लगता है इतने का माल बिका होगा आज, लगता है इतने कस्टमर आए होंगे, इतनों ने खरीद, दुकानदारी में ऐसा होता है क्या? एक एक चीज पता होती है दुकानदार को, अगर वो 1,00,000 रुपए भी कमाता होता है महीने के, नोट होता है पेपर के ऊपर, लिखता है कौन सी दवाई खत्म होगी मंगानी है, कौन सा कपड़ा बिक गया मंगाना है, सब पता होता है उसको। लेकिन आप अगर जाएं, आपको यह पता ही नहीं है कि पिछले 4 दिन के अंदर आपने नंबर ऑफ गेस्ट कितने अटेंड किए। अगर मैं डेटा पूछूं तो आप बता पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर। मगर किसी एक व्यक्ति को पकड़ूं जो रूबी हो, जो एमरल्ड हो, जो टोपाज हो, उसको मैं पूछूं कि 1 हफ्ते में तू टोटल कितने लोगों से मिला, तो डेटा है किसी के पास? एनीबडी इज ए परफेक्ट डेटा कि सर 18 से मिला हूं पिछले 1 हफ्ते में, ये उसका डेटा है। मंडे को 4 मिला था, ट्यूसडे को 3 मिला था, वेडनेसडे को 7 लोगों से मिला था, बुधवार को नहीं मिला था सर, वीरवार को 1 से मिला था और शनिवार को 2 से मिला था। टोटल 18 लोगों से मिला हूं सर, जिसमें से 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 8 लोग जुड़ गए सर, ये उसका डेटा। किसी के पास है ऐसा? एक हाथ खड़ा हुआ है 428 में से सर। ये कर रहे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग माय डिफरेंस। और दुकानदारी अगर 2,00,000 रुपए की भी दुकानदारी हो जिसमें टोटल ही 2,00,000 रुपए लगाए हो, वो हाथ में ना आदमी हिसाब वाली एक डायरी होती है उसके हिसाब में, है ना। कभी कभी आप राशन वाले से राशन लेते हैं उधार में, तो वो लिख लेता है कि इतने किलो ये ले गया, उसका हिसाब बनाता है कि नहीं बनाता? उधार में लाते होंगे ना, बहुत सारे लोग लाते हैं, महीने के महीने पैसा देते हैं, होता है कि नहीं? उसके हाथ में एक डायरी होती है, वो लिख लेता है कि नहीं लिखता? अगर उससे पूछे कि फला आदमी का कितना ड्यू है, तुरंत निकाल के दिखा देगा जी 2,830 रुपए बचे हैं इसके। हेलो हेलो, बताएगा कि नहीं बताएगा? उसको अपने अपने एक एक ग्राहक का हिसाब होगा कि नहीं होगा? आपको होता है? तो जवाब आएगा नहीं। मैं इसको बोलता हूं अकाउंटेबिलिटी। यार एक दुकानदार यार जो 10 रुपए का 100 रुपए का चावल राशन बेच रहा है, छोटी सी उसकी मनियारी की दुकान है, छोटी सी परचून की दुकान है, उसको एक एक हिसाब पता होता है कि मेरे मोहल्ले में 25 लोग रहते हैं, ये इतने का माल ले जा चुका है, इससे इतने पैसे आ चुके हैं, पिछले महीने का 3,000 का ड्यू था, 1,400 जमा करा चुका है, 1,600 उसके ड्यू, उसको पता, एक एक माइनर हिसाब पता होता है, कितने किलो चावल बिक गया, कितने किलो रह गया, कितने किलो काले छोले बिक गए, कितने किलो रहे, उसको सब पता होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा माल मंगाना है, कौन सा माल नहीं मंगाना। एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, बोलता है भाई साहब घी ले लो, तो कहता है अभी स्टॉक पड़ा है यार, अभी मत। हेलो, 50,000-1,00,000 रुपए कमाने वाले को एक एक चीज पता होती है अपने बिजनेस की। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको यह पता ही नहीं है कि आपने कल कितने लोगों को प्लान दिखाया, आपको यह पता ही नहीं है कि आप परसों कितने लोगों से मिले थे, उनके क्या नाम है। मैंने कहा था ना, आर यू बिल्डिंग दिस बिजनेस सीरियसली? आपने बोला यस सर। हेलो, ये बिजनेस आपको 50,00,000 रुपए महीना दे सकता है सर,
ये बिजनेस आपको 1 करोड़ रुपए महीना दे सकता है, बशर्ते आप इसको वैसी तवज्जो दें जैसी तवज्जो आपसे ये चाह रहा है। जैसा देंगे वैसा पाएंगे सर। एक चार्ट जरूर होना चाहिए हर आदमी के हाथ में, और उसका सेल्फ इवेल्युएशन हो हर हफ्ते, कि वो देखे कि एक हफ्ते में मैंने किया क्या है यार इस बिजनेस के लिए। फुल टाइमर है लोग, बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि सर हम फुल टाइमर हैं, लेकिन अगर मैं उनकी एक्टिविटी जांचने की कोशिश करता हूं तो वो पार्ट टाइम एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। फुल टाइम होने से पैसे नहीं आएंगे, फुल टाइम वाला काम करने से पैसे आएंगे यार। कुछ फुल टाइमर से पार्ट टाइमर बेहतर है, सीरियसली। वो कहने को फुल टाइमर है, लेकिन मैं अगर आपको फुल टाइम उसका काम बताऊं हंसी आएगी अब आपको। अब सुनिए हंसी वाले काम। हंसी वाले काम यह है कि पूरे हफ्ते में अगर उसका मैं चार्ट बनवा लूं, वो चार्ट बनाता क्यों नहीं ये जानते हैं? क्योंकि उसकी फटती है कि अपने ही चार्ट को देख के रोएगा वो। मसलन आज है शनिवार, कल आपने कितने लोगों को प्लान देखो। नेट मार्केटिंग में क्या है, लोगों से मिलना है नेट मार्केटिंग। हेलो ये सर यार है ना, है ना? सेल कब आएगा? जब प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे। द टाइम स्पेंड विद द प्रोस्पेक्ट इज अ मेजर टाइम, रेस्ट ऑल इज अ माइनर टाइम। ऐसे समझाता हूं ना मैं, जो टाइम प्रोस्पेक्ट के साथ बिताया जा रहा है वही मेजर टाइम है यार। तो मान लेते हैं कल था फ्राइडे को, कल फ्राइडे में जो लोग इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं कितने लोगों से मिले जवाब दीजिए। तो बोलेंगे सर 2 या 3, ऐसे ही बोलेंगे। हेलो है ना? और 2 और 3 लोगों से मिलने में टाइम कितना लगा? बोला सर 2 घंटा और 3 घंटा। यानी पूरे दिन की दिहाड़ी में कितना काम किया, और नौकरी में कितना घंटा करते थे रे तुम? जब किसी और के लिए मरते थे तो 10 घंटा मरते थे, जब अपने लिए मरना चालू किया तो 3 घंटे कर दिया। फिर कह रहे नेटो मार्केटिंग चलती नहीं है सर। अरे नेटो मार्केटिंग चल नहीं रही, तुम चला ही नहीं रहे यार। माय डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। संडे नंबर ऑफ गेस्ट अटेंड, आपको पता होना चाहिए कि आज आपने कितने गेस्ट अटेंड किए। मंडे आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, ट्यूजडे कितने लोगों को दिखाया, वेडनेसडे कितने लोगों को दिखाया, थर्सडे कितने लोगों को। आपके हाथ में तो बुक होनी चाहिए यार। मैं तो ऐसा ही करता था, मेरे हाथ में पूरा बस्ता होता था यार कि मैंने 15 दिन में इतने लोगों को प्लान दिखाया। तो पता कैसे चलेगा कन्वर्जन रेशो क्या आ रहा है मेरा? भाई मुझे पता कैसे चलेगा मेरा कन्वर्जन रेशो बेटर हुआ है कि नहीं हुआ पिछले 6 महीने में? भाई मैंने पिछले 6 महीने में 50 लोगों को प्लान दिखाए थे और 15 जुड़े, इस 6 महीने में 50 को दिखाई और 30 जुड़े। ये डेटा नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कन्वर्जन रेशो अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, मेरे से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? ऐसा ही तो होता है ना स्किल डेवलपमेंट। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक डाटा होना चाहिए आपके पास कि मैं एज अ रूबी फुल टाइमर हूं, मैं एज अ एमरल्ड पार्ट टाइमर हूं, तो एक हफ्ते में इतने लोगों से मिला। और नीचे नंबर ऑफ काउंसलिंग, मैंने आज कितनी करी, कल कितने करी, किन किन लोगों के साथ करी। अब आप बोलेंगे इतना स्क्रूटनाइज कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं हां, जो आदमी सीरियस होता है ना, जो आईसीयू में होता है, उसकी एक एक नब्ज देखी जाती है कि नहीं देखी जाती। और अगर ऐसा कर लिया आपने 6 महीने साल, मैं दावा दे सकता हूं यार, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, अपने ग्रुप का ट्रेनिंग कर रहे होगे तुम यहां खड़ा होके यार, आपके ग्रुप का ट्रेनिंग हो रहा होगा, 400-500 लोग यहां पर बैठे होंगे और आप ये माइनर बातें उनको सिखा रहे होंगे यार। ये अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि इस एक हफ्ते के अंदर आपने काम एक्चुअली में कितना किया। भाई तभी तो होगा ना कि आपका अपलाइन काउंसलिंग के लिए बैठेगा और वो 4 लोगों को बोलेगा ले आओ भाई तुम्हारा एक हफ्ते का डेटा लेके आओ। कि जब आदमी रोता हुआ आएगा काम नहीं चल रहा काम नहीं चल रहा काम नहीं चल रहा, तो अपलाइन बोलेगा कॉपी ला, पिछले हफ्ते में तूने कितने लोगों को प्लान दिखाया भाई, कितने लोगों से मिला, कितने लोगों का। अब वो पूरे हफ्ते में प्लान दिखाया 10 लोगों को और 4 आईडी उसका आ गया, तो काम तो जबरदस्त चल रहा है, 40% कन्वर्जन, लेकिन 4 आईडी से पे आउट नहीं बन रहा तो रो रहा है काम नहीं चल रहा। अरे 10 में से ही 4 आएगा ना, 4 में से 100 आईडी तो नहीं आएगा ना। मेरी बात समझने का कोशिश करिए। चार्ट मैंने आपको लगा दिया है, आपके पेपर पे प्रिंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मुझे पता है 10% पीपल विल डू, 90% विल नॉट, लेकिन आप उस 10% में हो ऐसा मानना। आज 90% हुआ जो यहां नहीं आए हैं, 90% बोलोगा जो यहां नहीं आए। मेरी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हां। आपके पास डेटा होना चाहिए संडे सेमिनार के बाद कि मेरी टीम में नंबर ऑफ गेस्ट कितने आए, और उसका नाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मंडे को उसका फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ, पता होना चाहिए इसमें कन्वर्जन आई या नहीं आई, पता होना चाहिए कि मेरी टीम 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो कौन सी टीम के गेस्ट आए कौन सी टीम के गेस्ट नहीं आए। क्योंकि भीड़ में 50 गेस्ट आ गए तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी टीम के हैं और कौन सी टीम के नहीं है।
जब पेपर पे लिखा होगा तो मालूम चलेगा साला 50 तो आए लेकिन 3 टीम ऐसी हराम खोरा जो नहीं लेके आई, तो उनको डंडा मार सकते हो ना। लेकिन जब बनाया ही नहीं है कुछ और 50 आ गए तो आप चलो ठीक है यार बहुत लोग आ गए यार। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग वैसा ही बिजनेस है जैसे बाकी के सारे बिजनेस होते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोली हाँ, मैं आपको आगे लेके चलता हूं।